दरभंगा में हुए 13 हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी। 22 जून को दरभंगा में हुए 13 हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी कुंदन सिंह के रूप में की गई है। कुंदन सिंह इसी सफारी गाड़ी का चालक जिस पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 3 लोगों को अपराधी ने हत्या कर दी थी, लेकिन कुंदन सिंह सही सलामत घटना में बच गया था। दरभंगा SSP अवकाश कुमार ने चालक कुंदन सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि चालक के बयान लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में चालक की भूमिका संदिग्ध माना जा रहा है। उन्होंने आशंका व्यक्त भी किया है कि चालक घटना में लाइनर की भूमिका में रहा हो। तत्काल चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जरूरत होने पर उसे रिमांड पर लेकर पुलिस आगे भी पूछताछ कर सकती है। पीड़ित परिवार की तरफ से भी कुछ लोगों के खिलाफ आवेदन दिया गया है। लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसके लिए एक SIT टीम दरभंगा पुलिस ने गठित की है। एक व्यक्ति को अभी तक जेल भेजा गया है, जो ड्राइवर कुंदन सिंह है उसको जेल भेजा गया है, और परिजनों की तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं। हम लोगों की जो SIT है CTSP के अंदर में, वो भी तकनीकी अनुसंधान और मैनुअल इंटेलिजेंस कलेक्ट करके कुछ लोगों का नाम सामने लाई है। सभी बिंदुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। कल रात्रि में भी छापेमारी हुई है 3-4 जगहों पर। उम्मीद है हम लोगों को जल्द से जल्द इसमें आवेदन भी होगी और गिरफ्तारी। ड्राइवर की क्या भूमिका है? अभी तक जो हम लोगों के पास साक्ष्य हैं, परिस्थिति जन्य, उसमें उसकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। वो संभवतः लाइनर का काम किया हो उसने, और उसके जो बयान थे, जो हमारा अनुसंधान था, वो मेल नहीं खा रहा था। उसके बयान खुद बहुत बार बदले हैं। तो जो साक्ष्य थे हम लोगों के पास, उसके आधार पर अभी उसको जेल भेजा गया है। भविष्य में आवश्यकतानुसार उसको रिमांड पर लेकर और पूछताछ। क्या लग रहा है कितने लोग और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, संदिग्ध लोग हैं कुछ ऐसे, ये कैसे अभी हम बता दें? इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।